जहाँ पे हम गेम की बात करें और वहाँ पे पबजी का नाम ना आए, ये तो हो नहीं सकता। गाइज, पबजी दुनिया का सबसे नंबर वन गेम बन चुका है, इसके सबसे ज़्यादा डाउनलोड भी हो चुके हैं। और गाइज, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे कमाल के फीचर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हो या फिर छोटे बच्चे हो, हर किसी को पबजी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो गाइज, इसमें आखिर है क्या फीचर, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि किस प्रकार से इसको डेवलप किया गया था और क्या माइंडसेट से डेवलप किया गया था। तो गाइज, सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके सबसे फर्स्ट उसको देख लीजिए। उसमें मैं आधा से ज़्यादा चीज़ बता दिया हूँ और इसमें मैं बताऊँगा आपको कि किस प्रकार की आपको विंडो चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और वगैरह वगैरह क्या क्या ज़रूरत होती है पबजी जैसा गेम बनाने के लिए। तो गाइज, लेकिन अभी तक आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो गुनाह कर रहे हो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज, अगर आप पबजी जैसा गेम बनाना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट आपके पास यूनिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए और साथ में ग्राफिक्स डिजाइन करने आने चाहिए। गाइज, पबजी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि उसके पास यूनिक कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ एक अच्छी सी ग्राफिक्स है जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो, कोई भी अपनी काम छोड़कर उसको खेलने पे विवश हो जाते हो। गाइज, तो सबसे फर्स्ट मतलब आपके पास यूनिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो। गाइज, पबजी जैसा गेम डेवलप करने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना रहना चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर में अगर आपके पास विंडो है या फिर मैक्स है तो गाइज, विंडो के लिए अलग आता है गेमिंग इंजन और मैक्स के लिए अलग गेमिंग इंजन आता है। तो गाइज, गेमिंग इंजन होता क्या है इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूँ, जाके उसको भी देख लो, नहीं तो मैं इस वीडियो में भी उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि इसको गेमिंग इंजन होता है और यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं। और गाइज, साथ ही साथ आपके पास एक फ़ोन रहना चाहिए जिससे कि गेम चेक हो, चाहे वो आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो, कोई सा भी चलेगा जिससे कि गेम कम से कम चेक हो जाए कि बना कैसा है। और गाइज, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, पबजी जो गेम है उसमें एक म्यूजिक बीट है जो कि बहुत ही कमाल की है गाइज, और वो बीट आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा, यानी कि उसके लिए एक म्यूजिक बीट भी रहना बहुत ज़रूरी है। म्यूजिक बीट रहना चाहिए और साथ ही साथ एक बैकग्राउंड होनी चाहिए गाइज, ये दो चीज़ आप नोटिस करना, हर गेम का अलग अलग बैकग्राउंड रहता है और अपना म्यूजिक बीट रहता है गाइज, तो ये भी रहना बहुत ज़रूरी है गाइज। तो ये सब मैं आपको बता दिया जो कि रिक्वायरमेंट है पबजी गेम बनाने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से पबजी जैसा गेम आपको बनाना है। तो गाइज, सबसे फर्स्ट आपको एक स्ट्रैटजी होनी चाहिए गेम की, कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें देंगे, हम मिशन देंगे कि क्या देंगे, और वही गेम कॉन्सेप्ट ग्राफिक्स व्राफिक्स आपको रखनी चाहिए कि कैसा ग्राफिक्स मैं उसको पे सेट करूँगा। अब मैं गाइज आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं गेम का बात बताने जा रहा हूँ, यानी कि गेम का अंदर का लैंग्वेज बताने जा रहा हूँ। गाइज, आपको पबजी बनाने में सबसे फर्स्ट आपको एक लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ने वाला है, जो कि जिसको हम गेमिंग लैंग्वेज कहते हैं, और गाइज वो जावा होती है। आपको इसकी नॉलेज बहुत रहना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज कम से कम आपको रखनी पड़ेगी एक सिंपल गेम बनाने के लिए। गाइज, साथ ही साथ इसमें अब जावा काम कहाँ पर करेगा, तो गाइज इसमें अनरियल इंजन 4 नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है गाइज, जिससे कि पबजी को डेवलप किया गया था, और अगर आप उसी प्रकार का गेम को डेवलप करना चाहते हो तो सिंपल अनरियल 4 आपको मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी तरीके से गूगल पे मिल जाती है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हो सकता है तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, नहीं तो फ्री भी मिल जाएगी। तो गाइज, जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि आपको जावा का नॉलेज भी होना ज़रूरी है गाइज, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पाइथन पढ़े होंगे, कंप्यूटर का अगर कोर्स कहीं पर से किए होंगे या फिर गेमिंग कोर्स कुछ किए होंगे तो गाइज आपको पता होगा पाइथन के बारे में, आपको पाइथन का भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है इसमें रहना, क्योंकि पाइथन यहाँ पर हाई सिक्योरिटी देता है, साथ ही साथ हाई फंक्शन जो वर्किंग करती है, एक साथ दो तीन वर्क करती है, दो तीन काम करती है, जैसे कि आप पबजी में देखे होंगे एक कर्सर इधर चलता है तो एक गन का भी दो तीन चीज़ आराम से वर्क करती है गाइज, वो सब वर्क करती है पाइथन के कारण। अगर गाइज ये सब से रिलेटिव आपको नॉलेज है गाइज तो आप सिंपल अनरियल 4 इंजन को डाउनलोड करो और उसमें गेम बनाना आप स्टार्ट करो। गाइज, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे दिया हुआ है, सिंपल आप आके वहाँ पे मैसेज कर देना मुझे, मैं आपको इंस्टाग्राम पे सारा कुछ हेल्प करता रहूँगा गाइज। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोर्स ये सब नहीं आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे कमेंट करो, मैं आपको कुछ ऐसा लिंक दे दूँगा जिससे कि आप ये कोर्स
सीख जाओगे, यानी कि कोर्स का लिंक दे दूंगा। ऐसे आप YouTube पे सर्च करोगे तो हो सकता है कि पे पैसा खोजे, या फिर YouTube पे भी आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो आप सिंपल मुझको मैसेज करना, मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा। और गाइज, वहाँ से सीखने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे फर्स्ट मैं हर बार बोल रहा हूँ गाइज, आपको यूनिक कॉन्सेप्ट रखनी है, यूनिक आइडिया रखनी है, और इसी यूनिक आइडिया और यूनिक कॉन्सेप्ट से ग्राफिक्स डिज़ाइन करने आपको बहुत इजी तरीका से आ जाएगा, उसमें कोई हार्ड नहीं है गाइज। जो मेन है सो यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसको ही सर्च करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ भी चीज़ आज के डे में पॉपुलर हो रही है वो बिल्कुल यूनिक रह रही है, वही चीज़ पॉपुलर हो रही है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी प्रकार की और भी टेक्निकल वीडियो मैं लाते रहता हूं, तो आपको से मिस ना हो।